आखिर कड़ी मशक्कत के बाद दरभंगा पुलिस को उपलब्धि मिल ही गई। दरभंगा एसएसपी बाबूराम ने जो टीम गठित की थी, एसआईटी टीम और दरभंगा पुलिस के सहयोग से समस्तीपुर और बेगूसराय से न सिर्फ अपराधी गिरफ्तार हुए बल्कि 72 पीस हीरा, 1.5 किलो सोना और बाकी सोना जिन्हें अपराधियों ने बेगूसराय में बेचा था वो सोना के पैसे 30 लाख रुपए बरामद हो गए थे। गौरतलब है कि दरभंगा पुलिस लगातार छापेमारी कर रही थी। दरभंगा एसएसपी ने आज इस कांड का उद्भेदन करते हुए कहा कि लगभग अपराधी गिरफ्तार हो चुके हैं और हीरा भी लगभग बरामद है। 9 दिसंबर को अलंकार ज्वेलर्स के यहाँ एक सोना लूट की बड़ी घटना हुई थी, जिसमें मुख्य अपराधकर्मी विकास झा सहित कई लोग पहले जेल जा चुके हैं। विकास झा के द्वारा बताया गया था कि समस्तीपुर के कुछ उसके साथी अपराधकर्मी हैं जिसमें शामिल थे। उसकी निशानदेही पर आगे की कार्रवाई की गई और जो इसमें मुख्य रिसीवर था तरुण साहू की गिरफ्तारी हुई। उसके घर से 72 पीस हीरा की बरामदगी हुई। तरुण साहू ने पूरी विस्तार से जानकारी दी कि इसमें कौन कौन लोग शामिल थे, क्योंकि वो घटना की योजना में भी शामिल था। उसके मुताबिक 6 तारीख को भी यहाँ सभी अपराधकर्मी इकट्ठा हुए थे, लेकिन 6 तारीख को घटना को अंजाम नहीं दिया जा सका। 9 तारीख को पुनः इन्होंने घटना को अंजाम दिया और 9 तारीख की शाम को तरुण साहू के घर पर सब लोग एकत्र होकर लूटे गए सोने की आपस में बंटवारा किया गया। इसके बाद कई अपराधकर्मियों को सोना तरुण साह ने बेगूसराय में एक ज्वेलर के यहाँ बेचा था। पूछताछ उसने बताया कि 1850 ग्राम सोना 47 लाख में वहाँ बेचा गया था। वहाँ पर भी छापामारी हुई और 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। 400 ग्राम गलाया हुआ सोना बरामद हुआ है बेगूसराय से। इसके अलावा समस्तीपुर जिला में मनोज राय, जिसने इसमें एक्टिव रोल प्ले किया था, लक्ष्मण राय और कुछ और अपराधकर्मियों घर पर छापामारी हुई। प्रिंस और मनोज राय के घर से सोना और सोने को बेचकर जो रुपया बरामद हुआ था उसकी बरामदगी हुई। इनके परिजनों को लूट का माल छिपाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा दलसिंहसराय में एके ज्वेलर के यहाँ से 60 ग्राम जो लूट का सोना बेचा गया था उसकी बरामदगी हुई है। कई और जगहों पर अभी भी छापामारी जारी है और कुछ लूट का सोना और कैश की बरामदगी के लिए भी टीमें लगी हुई हैं। कितना सोना बरामद किया गया? अभी तक इसमें 1.5 किलो के लगभग सोना, 72 पीस हीरा और 30 लाख से अधिक कैश की बरामदगी हो चुकी है और आज कुल 11 लोगों को गिरफ्तार कर कोर्ट में प्रस्तुत किया जा रहा है। सर के जितने सोने लूट की बात और हीरे लूट की बात है, अभी कितना और बचा है? हीरा तो लगभग बरामद हो चुका है, सोना में अभी 1.5 किलो का लगभग बरामद हुआ है, जबकि FIR में 11 किलो सोना लूटे जाने की बात अंकित है। अपराधियों ने कुछ बताया इस संबंध में कितना सोना था कुछ? हाँ, इन्होंने एक मोटा मोटा एक आइडिया बताया है जो इन्होंने जब बंटवारा किया है तो उसको देखने से जो जानकारी मिली है लगता है कि लगभग उतना हो जाएगा। जो हीरा बरामद हुआ है उसकी कॉस्ट कुछ आकलन की गई है? नहीं, कॉस्ट का आकलन हम लोगों ने नहीं करा है। सर, कुल 11 अपराधी जो पकड़े गए हैं, उन लोगों का अपराधिक इतिहास किस तरह का? इसमें अभी तक जो तरुण साहा एक मुख्य रिसीवर है उसकी गिरफ्तारी हुई है, उसके भाई की गिरफ्तारी हुई है। बेगूसराय से 2 रिसीवर की दुकान से 2 जो कर्मी उसमें संलिप्त थे उसको उनकी गिरफ्तारी हुई है। और इसके अलावा जो मुख्य अपराधकर्मी थे उनके परिजनों की गिरफ्तारी हुई है, जिन्होंने लूट का सोना और सोने की बिक्री से प्राप्त पैसे को छिपाया हुआ था। टोटल अब तक इस मामले में कितने लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है? इसमें अभी 11 लोगों को हम लोग आज फॉरवर्ड कर रहे हैं। इससे पहले विकास झा की गिरफ्तारी हुई थी, उससे पहले 7 और लोगों की गिरफ्तारी हुई थी, तो इसमें लगभग 11 और 8 19 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। मुख्य जो इसमें साजिश करता था वो कौन थे सर? इसमें समस्तीपुर जिला के कुछ अपराधकर्मी हैं जो घटनास्थल पर जिनकी पहचान हो चुकी है CCTV फुटेज में, जिसमें रविंदर सहनी, हनी उर्फ अभिषेक कुमार, मनोज राय, प्रिंस, इसके अलावा 2-3 साथी और थे, एक बम, एक विलेन, तो इनकी सभी की पहचान स्थापित हो चुकी है। सर, वो हथियार जो लहराते हुए वहाँ से लोग गए थे, वो हथियार भी बरामद हुए थे? हथियार और जो CCTV में दिखाई दे रहे हैं, जो घटना में शामिल हैं, अंदर फुटेज में नज़र आ रहे हैं, उनकी गिरफ्तारी अभी नहीं हुई है।